स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर आशु आन्या और स्वागत है आपका हमारे चैनल में जिसका नाम है एस्ट्रोलॉजर आशु आन्या। आज मैं आप सभी दर्शकों को 2022 का वार्षिक राशिफल मेष से मीन तक बताने जा रही हूँ, तो आइए देखते हैं। बात करते हैं धनु राशि वालों की। धनु राशि वालों पे बृहस्पति के प्रभाव के कारण ये लोग बहुत ही अध्ययनशील, गंभीर और बहुत ही शांत प्रवृत्ति के होते हैं। ऐसे लोग बहुत ही सोच समझ के कोई भी डिसीजन लेते हैं और जो भी डिसीजन लेते हैं उस पे बहुत ही गहनता के साथ उसको पूरा करने के लिए तत्पर रहते हैं। बात करें धनु राशि वालों के जॉब और बिजनेस की, धनु राशि वाले 2022 में बहुत अच्छे जॉब की अपॉर्चुनिटी इन लोगों की बनी हुई है। कोई अच्छे सरकारी नौकरी का योग बना हुआ है, जिसमें क्या हो रहा है कि आपको हायर पोजीशन के योग बने हुए हैं। अगर आप सरकारी नौकरी के लिए ट्राई कर रहे हैं तो सरकारी नौकरी के लिए बहुत ही अच्छा योग बना हुआ है। आप पूरे मेहनत से कोशिश कीजिए, आपको सरकारी नौकरी मिलने के 2022 में बहुत अच्छे चांसेस बन रहे हैं। 2022 में अगर बिजनेस की बात करें तो बिजनेस में जो लोग बिजनेस में ऑलरेडी हैं उनका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है और चलने वाला है 2022 में, और जो लोग अभी बिजनेस के लिए सोच रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, उन लोगों को नए बिजनेस की अपॉर्चुनिटी आती हुई दिख रही है, और या फिर वो लोग नए बिजनेस की शुरुआत कर सकते हैं और बिजनेस में काफ़ी अच्छे लाभ का योग भी बना हुआ है। अपने पार्टनर से बहुत अच्छा उन लोगों को लाभ मिल सकता है अगर वो पार्टनरशिप में काम करेंगे तो। बात करें धनु राशि के स्टूडेंट्स और कैरियर की, तो इसमें पूरे साल जो है 2022 में बहुत ही मेहनत से इन लोगों को पढ़ाई करने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर मेहनत के साथ ये लोग चलेंगे तभी इन लोगों को इस 2022 में सफलता मिल सकती है। क्योंकि 2022 में बहुत सी चीज़ें आपके आसपास ऐसी होंगी जो आपके माइंड को डिस्टर्ब कर सकती है, जिसके कारण आप पर आपका पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगेगा, या फिर आपके आसपास के माहौल जो है वो आपको पढ़ाई में डिस्टर्ब कर सकती है, जिसके कारण आपके रिज़ल्ट आने में भी प्रॉब्लम हो सकती है। क्योंकि अगर पढ़ाई नहीं करेंगे तो रिज़ल्ट भी सही नहीं आएंगे, तो बेहतर रहेगा कि आप अपना कंसंट्रेशन लेवल जो है वो एक ही चीज़ों पे स्थिर रखें तो बेहतर होगा। धनु राशि वाले के प्यार की बात करें, इस साल 2022 में किसी बहुत ही महत्वपूर्ण इंसान से मिलने के योग बन रहे हैं। अगर आप सिंगल हैं तो आपके लाइफ में कोई पार्टनर आपको मिल सकता है। अगर आप शादी के लिए कोई रिश्ता देख रहे हैं तो बहुत ही जल्दी चांसेस है कि आपकी शादी हो जाए और आपके मनपसंद आपका लाइफ पार्टनर आपको मिल जाए। तो इस साल 2022 में शादी के आपके बहुत ही अच्छे योग बने हुए हैं। बात करें परिवार की, तो परिवार में भी बहुत ही अच्छे योग बने हुए हैं कि आपके लाइफ में बहुत ही अच्छे अच्छे अपॉर्चुनिटी आपके फैमिली में, आपके परिवार से जुड़े हुए हो सकते हैं। हो सकता है आपके लाइफ में कोई अच्छी गुड न्यूज़ आ जाए, कुछ अच्छा फंक्शन हो जिसमें आप लोग सारे फैमिली मेम्बर इन्वॉल्व हों और सेलिब्रेट करें, ऐसा कुछ होता हुआ दिख रहा है। धनु राशि वालों के लाइफ में बहुत ही बड़ा अपॉर्चुनिटी परिवार से रिलेटेड होता हुआ दिख रहा है, और साथ ही साथ परिवार से रिलेटेड एक बहुत ही बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी या फिर जिम्मेदारी भी आपको मिलती हुई दिख रही है। धनु राशि वालों के शुभ रंग की बात करें तो ब्लू कलर है, नीला कलर, और शुभ अंक की बात करें तो शुभ अंक 1, 2 और 3, ये आपका शुभ कलर है। ओवरऑल धनु राशि वालों की बात करें तो इस साल 2022 में धनु राशि वाले बहुत ही एक्टिव पोजीशन में रहेंगे, चाहे वो परिवार हो या उनकी नौकरी हो या फिर स्टूडेंट हो, वो अपने लाइफ में बहुत ही एक्टिव रहेंगे।
और टाइम टू टाइम उनकी दूर की यात्राएं भी हो सकती हैं, और उनके फैमिली में कोई गेट टुगेदर, कोई सेलिब्रेशन भी हो सकता है, और वो पैसे के लिए पैसे उनके पास आएंगे, लेकिन उतनी ही तेज़ी से उनके पैसे खर्च भी होते हुए दिख रहे हैं। तो ज़रूरी है कि आप इस साल 2022 में अपने पैसों पे कंट्रोल करें, पैसों को सहेज करके रखें, क्योंकि जितनी तेज़ी से आपके लाइफ में पैसा आता हुआ दिख रहा है, ठीक उतनी ही तेज़ी से आपके लाइफ में पैसा जाता हुआ भी दिख रहा है। अगर आपको मेरा यह चैनल पसंद आ रहा है और दी गई जानकारी आपको पसंद आ रही है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।